हेलो डियर स्टूडेंट्स, बैक विद अ न्यू लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं। और आज हम आप लोगों को बताएंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, ये सिलेबस अगर आपने जान लिया तो एग्जाम आपका कोई भी हो, भले आपका SSC का एग्जाम हो, SSC CHSL CGL CPO कोई भी एग्जाम हो बेटा, RO ARO का एग्जाम हो, इसके अलावा बेटा रेलवे का एग्जाम हो, या जितने भी आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं उन सब में जो है ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना है यही बच्चों को नहीं पता चल पाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग इतिहास का या हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, कहाँ से शुरुआत करना है और क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट स्क्रीन को करते हैं शेयर, और एक बार कमेंट करके आप लोग बता दीजिए क्या मेरी आवाज आप लोग को प्रॉपर सुनाई दे रही है कि नहीं सुनाई दे रही है। तो आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। अपन लोग को क्या पढ़ना है बेटा, अपन लोग को मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस जानना है आज। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस जानना है आज कि क्या क्या जो है हम लोगों को इसमें पढ़ना रहेगा। आई होप मेरी आवाज आप लोग को प्रॉपर आ रही होगी और हम जो है प्रॉपर आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट क्या क्या पढ़ना है। देखो बेटा, मॉडर्न हिस्ट्री, या इसे ही हम लोग क्या कह सकते हैं, इसे ही हम लोग कह सकते हैं आधुनिक भारत कह सकते हैं या आधुनिक इतिहास कह सकते हैं। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है बेटा वो कहां से लेकर कहां तक है, तो इसका टाइम पीरियड हम लोग पढ़ते हैं जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, वहां से शुरू होता है ये टाइम पीरियड। और कब से लेकर कब तक चलता है बेटा, तो 1964 तक का जो है ये टाइम पीरियड चलता है AD में। ठीक है, किसमें बेटा, AD में। ठीक है, दो फेजेस में जो है इस टाइम पीरियड को पढ़ने वाले हैं बेटा हम लोग। एक जो फेज होगा वो आपका 1707 से लेकर 1947 का फेज होगा बेटा। ठीक है, 1707 से लेके 1947 का फेज रहने वाला है। और एक फेज जो है आपका रहता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसे हम लोग कंटेम्परेरी इंडिया कहते हैं, 1964 तक की। ठीक है, 1964 तक की। ठीक है, यहां पर तो बेटा हम लोग को क्या होता है, यहां पर हम लोग को पहले इसमें पढ़ना क्या है ये जान लो। इसको हम लोग कहते हैं कंटेम्परेरी इंडिया, कंटेम्परेरी इंडिया, या इसी को जो है आप क्या कह सकते हो, इसी को आप कह सकते हो हिंदी में समकालीन भारत, समकालीन भारत कह सकते हो, समकालीन भारत कह सकते हो। ठीक है, यहां पर बेटा क्या होता है, ये 1947 में हम लोगों को आजादी मिल जाती है, इंडिपेंडेंस मिल जाती है। ठीक है, इंडिपेंडेंस हम लोग को मिल जाती है। और 1964 में बेटा डेथ होती है किसकी, तो डेथ ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो यानी कि हम लोगों को शुरुआत कहां से करना है, हम लोग को शुरुआत करना है डेथ ऑफ औरंगजेब से लेकर, डेथ ऑफ औरंगजेब से लेकर बेटा कहां तक पढ़ना है, तो हम लोग को पढ़ना है डेथ ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू तक। ठीक है, तो ये बेटा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का क्या है, टाइम पीरियड है, टाइम वो है जहां से जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग कवर अप करने वाले हैं, इसमें फर्स्ट टॉपिक जो कवर अप करेंगे हम लोग उसे कहते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, ये पहला टॉपिक रहने वाला है बेटा।
इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा क्या क्या हम करवाने वाले हैं। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, या इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग हिंदी में कह सकते हैं, भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत में यूरोपियों का आगमन, भारत में यूरोपियों का आगमन, ये पहला टॉपिक जो है हम लोग करेंगे। इसके अलावा बेटा दूसरा टॉपिक हम लोग यहां पर करने वाले हैं, डाउनफॉल ऑफ मुगल्स। डाउनफॉल ऑफ मुगल्स, मुगल्स, या इसी को जो है आप क्या कहते हो हिंदी में, मुगलों का पतन। मुगलों का पतन, मुगलों का पतन, ये जो है टाइम पीरियड हम लोग कब से लेकर कब तक पढ़ेंगे, तो भाई वही 1707 से लेकर 1857 तक पढ़ेंगे, 1857 तक पढ़ेंगे। 1857 में ही लास्ट जो मुगल बादशाह होता है उसका नाम रहता है बहादुर शाह जफर। जफर जो है ये इसका टाइटल हुआ करता था, क्योंकि ये बेटा शायर था, है ना, शायर था ये, अपने शायरियों में जो है जफर शब्द का इस्तेमाल किया करता था। कौन? बहादुर शाह जफर। जैसे कोई भी शायरी होती है, जैसे सुबह लिखता हूँ, शाम लिखता हूँ, ऐ दिल ये तमाम लिखता हूँ, वो कलम दीवानी हो जाती है जिससे मैं आपका नाम जफर लिखता हूँ। तो इन शायरियों में जो है ये जफर शब्द जो है यूज करता था। क्लियर है बात? जैसे हनी सिंह अपने गानों में यो यो हनी सिंह यूज करते हैं, और बादशाह अपने गानों में बादशाह शब्द का यूज करते हैं, वैसे ही अपने शायरी में जफर शब्द का यूज किया करते थे। ठीक है, तो वही जो है लास्ट बादशाह कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा थर्ड टॉपिक हम लोग इसी के जस्ट बात का उठाएंगे, 1857 में ही क्या होता है, तो रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 या 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति होती है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा हम लोग, ये भी जानेंगे। हटा रहा हूं इसको, हटा दू, जगह बन गया मेरे लिए। टाइम पीरियड अगर आप लोग को ना दिख रहा हो तो 1964 अब दिखने लगेगा। ठीक है, चलिए तो फोर्थ टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, उसे ही कहते हैं राइज ऑफ न्यू स्टेट्स। ये सब कुछ आप लोग लिखते हुए चलोगे बेटा। ठीक है, जितनी भी चीजें मैं लिखवा रहा हूं इसको जो है आप लोग लिखते हुए चलोगे। ठीक है, चलो लेता हूँ येलो कलर। फोर्थ टॉपिक क्या रहेगा बेटा, राइज ऑफ न्यू स्टेट्स, या इसी को हिंदी में क्या कहेंगे, भारत में, या इन इंडिया पहले लिखो, भारत में नवीन राज्यों का उदय। भारत में नवीन राज्यों का उदय। ठीक है, इसमें हम लोग बेटा कई सारे जो है स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। भाई जब जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है, बहुत सारे जो है नए नए स्टेट बनने लगते हैं, जैसे अवध में अवध का नवाब हो जाता है। ठीक है ना, इसके अलावा बेटा बंगाल में बंगाल का नवाब जो है बन जाते हैं। तो ऐसे करके जो है कई सारे जो है स्टेट, कई सारे राज्यों का उदय होता है, मराठा एम्पायर का उदय होता है। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा हम लोग, तो इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे नवाब ऑफ बंगाल के बारे में, नवाब ऑफ बंगाल के बारे में। देखो बेटा एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा
बंगाल के नवाब से क्वेश्चन आता है लेकिन पढ़ाया कभी नहीं जाता है, लेकिन हम पढ़ाएंगे बेटा आप लोग को। इसके अलावा बेटा नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ अवध, जो अवध के नवाब थे उनके बारे में जानेंगे हम लोग। इसके अलावा बेटा निजाम ऑफ हैदराबाद, निजाम ऑफ हैदराबाद, निजाम ऑफ हैदराबाद। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो राजपूत स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मेवाड़ वाला जो इलाका है उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जाट स्टेट, कौन कौन से जाट रहे हैं बेटा। जाट स्टेट बेसिकली जो है क्या हुआ करता था, तो भरतपुर हुआ करता था, ठीक है, भरतपुर। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें आप लोगों से तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मैसूर स्टेट। भाई मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा जाए और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ा जाए और मैसूर स्टेट ना पढ़ा जाए तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि बेटा यहीं के एक व्यक्ति थे हैं जिनका नाम था टीपू सुल्तान, है ना। तो बिना टीपू सुल्तान के बेटा मॉडर्न हिस्ट्री अधूरी है, ठीक है। इसके अलावा बेटा मराठास एंड पेशवास के बारे में पढ़ेंगे, मराठास एंड पेशवास के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे बेटा सिख स्टेट के बारे में। भाई पूछा जाता है ना सिखों के गुरु कौन से थे, ठीक है ना, किस नंबर के थे, तो सिख स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। टोटल 10 गुरु हुए हैं, 10 गुरु के बारे में जो है जानेंगे। इसके अलावा बेटा एक और जो है हम लोग पढ़ेंगे रुहेल खंड स्टेट के बारे में, रुहेल खंड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हम लोगों को पढ़नी है, सारी सारी चीजें अपन लोगों को क्या करना है बेटा, स्टडी कर लेना है। रुहेलखंड स्टेट में हम लोग मुरादाबाद के बारे में पढ़ेंगे, मुरादाबाद। इसके अलावा बेटा रामपुर एंड बरेली। देखो बेटा हिस्ट्री में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई पार्ट है तो वो है बेटा मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो हिस्ट्री में ठीक ठाक नंबर आपके आने लगते हैं, क्वेश्चंस आपके छूटते नहीं, लेकिन सही से पढ़ो तब, समझ रहे हो आप लोग। सही से पढ़ते नहीं है, छोड़ छोड़ के पढ़ते हो और फिर जो है बच्चे कहते हैं कि जो है हमसे जो है जीएस के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, सही से हो नहीं रहा है। डिटेल में पढ़ोगे तब तो ज्यादा याद रहेगा, ऐसे थोड़ी ना याद रहेगा। तो बस डिटेल में ही जो है आप लोगों को लेके चलने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन आप भी अंदर से ये ठान लो और कि जो है हमको जो भी करना है सब डिटेल में करते हुए चलना है और रेगुलर क्लासेस करना है, जब भी क्लासेस हो क्लासेस की प्रॉपर जो है नोट्स बनाना है, ठीक है। इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिए, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसके बाद हम लोग जो भी मूवमेंट्स हुए हैं, जो भी आपके रिलीजियस मूवमेंट हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, तो इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। फिफ्थ जो टॉपिक रहेगा बेटा वो है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, मूवमेंट्स ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के जो भी जो है मूवमेंट्स हुए थे बेटा, या जो आंदोलन हुए हैं सामाजिक धार्मिक आंदोलन, ठीक है, उनके बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे हिंदू रिफॉर्म्स मूवमेंट्स के बारे में, हिंदू रिफॉर्म्स मूवमेंट, ठीक है। जैसे ब्रह्म समाज हो गया, जैसे प्रार्थना समाज हो गया, जैसे वेद समाज हो गया, है ना, ये सारी चीजें जो है पढ़ेंगे। फिर बेटा मुस्लिम्स रिफॉर्म मूवमेंट्स जो है पढ़ेंगे हम लोग, है ना। फिर मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़ेंगे, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा अलीगढ़ मूवमेंट, ठीक है, अहमदिया मूवमेंट सुना होगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़ेंगे हम लोग,
सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़ेंगे। इसके अलावा बेटा हम लोग यहाँ पर पारसी रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़ेंगे, पारसी रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़ेंगे। इसके अलावा बेटा कुछ सोशल रिफॉर्म्स हुए हैं, सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा छठा टॉपिक जो होने वाला है बेटा, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं लोअर कास्ट ट्राइबल लेबर एंड पीसेंट मूवमेंट्स, लोअर कास्ट कॉमा ट्राइबल कॉमा लेबर एंड पीसेंट मूवमेंट्स। ठीक है भाई, लोअर कास्ट जो निम्न जातीय थे, निम्न जातीय कॉमा जनजातीय कॉमा मजदूर एवं किसान आंदोलन। ये जो है पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। किसान आंदोलन क्या क्या थे हैं, जैसे सत्य शोधक समाज लोअर कास्ट जो है मूवमेंट था, ठीक है। इसके अलावा बेटा राजनीतिक मूवमेंट सन्यासी रिवोल्ट था, ठीक है। ऐसे करके कई सारे जो है रिवोल्ट हुए, कूका मूवमेंट सुना होगा आप लोगों ने, रमोसी रिवोल्ट सुना होगा, इंडिको रिवोल्ट सुना होगा, ये सारी चीजें जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, खेड़ा आंदोलन आंदोलन सुना होगा, सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। जो 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 भी चीजें पढ़ लेंगे वहां से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बन गया तो हम गारंटी लेते हैं, चाहे कोई भी पेपर हो बेटा, आरओ आरओ का पेपर हो, पीसीएस का पेपर हो, एसएससी का पेपर हो, हमेशा सही करके आओगे, बशर्ते आप लोग को ये सब पढ़ा दिया जाए, है ना। इसके अलावा बेटा सेवेंथ जो टॉपिक्स है उसे हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, भारत में शिक्षा का विकास, भारत में शिक्षा का विकास, भारत में शिक्षा का विकास, इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, थोड़ा सा सही चलेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे बेटा हम लोग, शिक्षा का विकास हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से जो है शिक्षा से रिलेटेड जो है चीजें आई थी ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज की स्थापना की गई थी ये जानेंगे। इसके अलावा बेटा डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया, भारत में जो भी न्यूज़पेपर हैं बेटा उसका डेवलपमेंट, ठीक है। भारत में समाचार पत्रों का विकास, लिख लो, भारत में समाज कह रहे हैं, समाचार पत्रों का विकास। भाई सबसे पहला जो समाचार पत्र था उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बंगाल गजट कहते हैं, जिसके संस्थापक कौन थे बेटा, अगस्तस जॉन जेम्स हिकी। ये सारी चीजें जो है हम लोग जानेंगे, प्रिंटिंग प्रेस गोवा से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, ये सब जो है जानेंगे, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर रहे हैं ये भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। और अगर अभी हम लोग बेटा बात करें तो हम लोग का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बेटा घटकर कितना हो गया है, 161 हो गया है। इसके अलावा बेटा इसके अलावा नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बेटा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। सबसे ज्यादा अगर मॉडर्न हिस्ट्री में किसी सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं तो यहीं से आते हैं बेटा, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो इसी में जो है हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, तो बर्थ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, बर्थ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, कहां से जो है भारत में नेशनलिज्म
या राष्ट्रवाद का जो है जन्म होता है ना, भारत में राष्ट्रवाद का जन्म, भारत में राष्ट्रवाद का जन्म। ठीक है, ये हम लोग करेंगे। ठीक है, कैसे जो है आपका राष्ट्रवाद का जो है जन्म हुआ, एल्बर्ट विल डिस्प्यूट आया तो क्या क्या हुआ बेटा। ठीक है, इसके बाद बेटा जब राष्ट्रवाद का जन्म होता है तो कुछ ना कुछ जो है फॉर्मेशन होता है, तो कुछ इंस्टीट्यूशंस जो है बनी, कुछ इंस्टीट्यूशन कांग्रेस से पहले बनी, फिर कांग्रेस बनी और कांग्रेस के बाद भी जो है कुछ इंस्टीट्यूशंस बनी थी। तो सबसे पहले हम लोग बने पढ़ेंगे कांग्रेस से पहले क्या बना था, इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश बिफोर कांग्रेस, इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बिफोर कांग्रेस। ठीक है, ये हम लोग जानेंगे कांग्रेस की स्थापना के पूर्व राजनैतिक संस्थाएं। ठीक है ना, राजनैतिक संस्थाएं इससे पहले, कांग्रेस से पहले। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग फटाफट। ठीक है, जैसे मद्रास नेटिव एसोसिएशन ये सब बनाया गया था। और उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्या बेटा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। नोट डाउन इसको कर लीजिए आप लोग, हटा रहा हूं मैं। ट्वेल्थ जो टॉपिक रहने वाला है बेटा उसे हम लोग कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, इसके अलावा बेटा 13th जो टॉपिक है, 13 जो टॉपिक है बेटा उसे हम लोग कहते हैं इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ कांग्रेस, इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ कांग्रेस, ये सब करवाएंगे हम आप लोगों को बेटा। 14th जो है वो हम लोग पढ़ेंगे बेटा इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट, मूवमेंट्स या आप कहोगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आंदोलन है ना। इसको भी कई सारे फेजेस में पढ़ेंगे। जैसे बेटा इसका जो फर्स्ट फेज रहने वाला है, फर्स्ट फेज जो पढ़ेंगे बेटा हम लोग वो पढ़ेंगे 1885 से लेकर 1905 तक पढ़ेंगे, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं एरा ऑफ लिबरल्स, लिबरल्स, लिबरल्स बोले तो उदारवादी का चरण। ठीक है, उदारवादी चरण, उदारवादी चरण जो है हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो सेकेंड फेज हम लोग 1905 से लेके 1919 तक पढ़ने वाले हैं बेटा। सेकेंड फेज इसमें 1905 से लेके 1919 तक पढ़ने वाले हैं, और इसे ही क्या कहते हैं बेटा एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म, एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म, या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा उग्रवाद का चरण, उग्रवाद का चरण। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो इसी के दौरान जो है हम लोग मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, और मुस्लिम लीग के जो भी इंपॉर्टेंट सेशंस हुए हैं वो भी जो है हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ नोट डाउन करते चलेंगे आप लोग, होम रूल लीग है आपके, लखनऊ पैक्ट जो हुआ था, ये सब जो है पढ़ेंगे। थर्ड जो फेज है बेटा वो हम लोग पढ़ेंगे एरा ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज,
थर्ड जो फेज है बेटा वो पढ़ेंगे हम लोग एरा ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। ठीक है, या क्रांतिकारी घटनाओं का चरण, क्रांतिकारी घटनाओं का चरण, क्रांतिकारी घटनाओं का चरण। और इसको जो है हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बेटा, ये आपका 1905 से लेके 1919 में कुछ ही हुआ है। ठीक है, वो फेज भी कवर करेंगे, और 1919 से लेकर 1942 वाला फेज भी जो है हम लोग पढ़ेंगे। आ रही बात समझ में आप लोग को? हाँ, ये सारी चीजें जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। और एक लास्ट आपका जो फेज रहेगा, फोर्थ फेज, वो हम लोग जो है पढ़ेंगे गांधीयन एरा के बारे में। ठीक है ना, फोर्थ फेज जो है उसे ही आप लोग कह सकते हो गांधीयन एरा। गांधीयन एरा का जो टाइम पीरियड रहेगा, चूंकि गांधी जी 1915 में आ गए थे, लेकिन प्रॉपर जो शुरुआत हुई 1919 से शुरुआत हुई, और 1942 तक जो है पढ़ने वाले हैं, है ना। सबसे पहले जो है गांधी जी के बारे में जानेंगे, उसके बाद जो भी आंदोलन हुए बेटा इम्पोर्टेंट वो जो है जानेंगे। ठीक है, लिख लीजिए, जो भी कांड वगैरह हुए बेटा वो सब जो है जानेंगे हम लोग। यूनियनिस्ट पार्टी क्या था, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस फाउंडेशन क्या था, ये सब जानेंगे बेटा। ठीक है, और फाइनली जो है हम लोग पहुंच जाएंगे कहाँ पर, फाइनली हम लोग आजादी पर पहुंच जाएंगे। बट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है नहीं लिखवाया है, वो भी मैं जो है यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ मार्कर चेंज करके। फिफ्टीन जो टॉपिक है बेटा वो हम लोग पढ़ते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल। बंगाल के जो भी गवर्नर आए थे वो, कॉमा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कॉमा वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। और ये टॉपिक कवर करते करते जो है हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, हम लोग पहुंच जाएंगे बेटा 1947 पर, और फाइनली हम लोग को आजादी वगैरह मिल जाएगी। ठीक है, तो 15 अगस्त 0:00 या रात के 12 बजे जो है हम लोगों को क्या मिल जाती है, हम लोगों को आजादी मिल जाती है बेटा, समझ गया है। और उस समय जो है कौन था जो है भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, या आप कह सकते हो वॉइसरॉय, वो था बेटा लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। और उस समय बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 आता है, या फिर आप कहोगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, जिसमें जो है दो प्लान भेजे जाते हैं। उन सारे प्लान्स को जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारे टॉपिक थ्योरी वाले रहेंगे, ये सब कवर अप करेंगे, और मेरा प्लान है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराने का। ठीक है, तो जैसे ये हो जाएगा, क्वेश्चंस हो जाएंगे, आपका पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा बेटा क्या मॉडर्न हिस्ट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज रहने वाला है, बहुत ही मजेदार फेज रहने वाला है बेटा। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस था। उसके बाद हम लोग जैसे जो है ये खत्म हो जाएगा, वैसे कंटेम्परेरी इंडिया पढ़ेंगे। और कंटेम्परेरी इंडिया में बेसिकली जो है 1947 के बाद जो भी डेवलपमेंट होता है इंडिया का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सारा जो है पार्ट ऑफ हम लोग जो है कवर करते हैं। तो बेसिकली जो है हिस्ट्री का आखिरी पार्ट पॉलिटी का शुरू का पार्ट होता है, समझ गए आप लोग। तो ये सब जो है हम लोग करेंगे। पॉलिटी मैंने आप लोग को ऑलरेडी करा रखी है। ठीक है, पार्ट 6 तक की अभी तक की हो गया है। ठीक है, आगे भी जो है चीजें जो है करवाई जाएंगी। तो जिन लोगों को पॉलिटी के लेक्चर्स हमारे देखने हो, वो भी जो है हमारे यूट्यूब पर विजिट करेगा। ठीक है, पॉलिटी बाय हसनैन सर और ब्रैकेट में लक्ष्मीकांत ऐसे करके लिखा होगा, वो वाली प्लेलिस्ट में जाएगा, लाइन से जो है सारी वीडियो जो है मिल जाएंगी, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये भी जो है आप लोग कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। आई होप आप लोग को सिलेबस समझ में आया होगा, और आप सब इंटरेस्टेड होंगे ये सब थ्योरीज को अटेंड करने के लिए, और सिलेक्शन की तरफ एक कदम और आगे बढ़ने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है क्लास, आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। स्टॉप शेयर कर रहा हूं मैं। हाँ, किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ डालो बेटा कमेंट में। ठीक है, चल तो फिर
फिर मिलते हैं जल्दी हम लोग, टाटा और बाय बाय, हैव अ नाइस डे क्लास, स्टॉप शेयर.